दादा भी खत्म हो गए, हमारे दादाजाना भी खत्म हो गए, मैं पोती पोतों की हो गई, मैं भी बड़ी हो गई, बुढ़िया हो गई हूँ, पर हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? ये नन्हे नन्हे मासूम बच्चे हैं, मस्जिद मंदिर है, मस्जिद सब चीजें, यहाँ से कहाँ जाएंगे? ये इतने बूढ़े हैं यहाँ, कोई कितना बीमार है, कोई लाचार है, कोई अपाहिज है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कहाँ जाएंगे? वो कहाँ लेके जाएंगे हम उन्हें, बताओ? हम कहते हैं हमारी गुराइश थी, हमें नहीं कहीं जाना चाहिए, ना हमारे घर तोड़ने चाहिए, ना हमारी मस्जिद, ना हमारा मंदिर, कुछ नहीं जाना चाहिए। हम सब मिलकर रहना चाहते हैं यहाँ पर, हम बहन भाई बना के रहना चाहते हैं, हम अखलाक और मोहब्बत से रहना चाहते हैं, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, हम हाथ जोड़ के कहते हैं, हमारी विनती है, हमारे घर मत तोड़िए, हमें बेसहारा मत करिए, हम बेसहारा है, हमारा कोई सहारा नहीं है, हम इन मासूमों को लेकर कहाँ जाएंगे, कहाँ जाके पढ़ेंगे? आप ही बताइए हम कहाँ जाएंगे? हमें इंसाफ चाहिए, हमें अपना घर चाहिए, हमें अपनी टूटी फूटी मनैया चाहिए, हमें हम लावारिस हो जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो कोई सहारा भी नहीं है खुदा के अलावा, आप पहले खुदा है, हमें चाहिए, हमें बेसहारा मत कर दीजिए। हम कह रहे हैं हमारे बहन भाई मासूम पढ़ाई लिखाई सब टूट जाएगी, सब पूजा पाठ सब करते हैं, ये मासूम बिखर जाएंगे, इनकी पढ़ाई बेकार हो जाएगी, इनके तालीम इस्लाम बेकार हो जाएंगे। हम यही दुआ करते हैं, हमारी हमें घर से बेकार मत करिए, हमारे लिए मदद होनी चाहिए, हमारा इंसाफ होना चाहिए। सर ऐसे में हम कहाँ स्कूल जा सकते हैं? आज की बालिका इंटर कॉलेज बनपुरपुरा। यस सर, सर हमारा स्कूल टूटेगा तो हम क्या पढ़ाई करेंगे? क्या हमें जवाब मिल सकता है? हमारा भविष्य खराब हो रहा है सर ऐसे। हमें जवाब चाहिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो है, बट कहीं बेटी नहीं बच रही है, कहीं बेटी की पढ़ाई नहीं बच रही है। हमें हमारी पढ़ाई को बचाइए, हमें बचाइए। हमारा स्कूल टूटेगा, हम लौट पढ़ा देंगे तो हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कहते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ बेटी बच रही है, कहाँ पढ़ाई बच रही है? वैसे तो सब बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी को आगे करो बेटी को ये सब करो, कहीं बेटी नहीं बच रही है। बेटी को आज रोड पर लाके खड़ा कर दिया है, बेटी आज रोड पर बैठी है, कहाँ पढ़ाई बच रही है हमारी? स्कूल हमारा टूटा जा रहा है, हम फर्स्ट ईयर में, बच्चों के बोर्ड के एग्जाम है, 3 महीने लॉकडाउन में हमें पढ़ाई